हे hey गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर, और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको क्रिसेंथेमम के प्लांट की फुल लाइफ साइकिल शो करूंगा, बीज से लेके फ्लावर तक की। ये इंडियन क्रिसेंथेमम है जिसको नॉर्मली हम लोग बबूना वाइट भी बोलते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिसेंथेमम के बीज को जर्मिनेट होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आइडियल टेम्परेचर रेंज है सक्सेसफुल जर्मिनेट होने के लिए सीड्स का, वो है 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या फिर 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। अगर हम लाइट कंडीशन की बात करें तो इन बीजों को आप कवर कर सकते हैं जो भी पॉटिंग मिक्स आपने प्रपेयर किया उससे। आपके यहाँ की क्लाइमेट की कंडीशन और जो जर्मिनेटिंग कंडीशन है उनके हिसाब से ये सीड 10 से 14 दिन के बीच में स्प्राउट हो जाते हैं नॉर्मली। चलिए सबसे पहले हम सीड स्टार्टिंग मिक्स बना लेते हैं। तो मैं ये तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा हूँ, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली। जो रेशो में यूज़ करूँगा वो है 1:1:1/4, यानी कि एक भाग कोकोपीट, एक भाग वर्मी कंपोस्ट और एक चौथाई भाग नीम खली। तो अब इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। मैं ये 10 इंच के प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रहा हूँ बीजों को उगाने के लिए। जो सीड स्टार्टिंग मिक्स हमने बनाया था वो ऑलरेडी मैंने इसमें भर लिया, और इनिशियली थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था इसमें। ये क्रिसेंथेमम बबूना वाइट्स के सीड्स हैं। अगर आप भी ये सीड्स या इसी तरह के और सीड बहुत ही कम प्राइस में लेना चाहते हैं तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इसके बारे में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो सेलर है उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। अब इस पॉटिंग मिक्स पे सीड्स इवनली मैं स्प्रेड कर देता हूँ, और उसके बाद एक बहुत ही पतली सी लेयर से जो सीड स्टार्टिंग मिक्स हमने बनाया हुआ है उसी की एक लेयर से इसको ढक दूंगा। नाउ थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें। अब इस पॉट को सेमी शेडेड लोकेशन में रखूंगा, और हमें ध्यान रखना है कि जो मिक्स है उसके अंदर नमी बनी रहे, तो उस पर हर दूसरे या तीसरे दिन में उस वाटर का हल्का सा स्प्रे कर दिया करना। ये 10 दिन के बाद का रिजल्ट है, लगभग सभी बीज स्प्राउट हो गए हैं। अब आप इस पॉट को ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे खूब रोशनी आती हो। सभी पौधों की ग्रोथ और हेल्थ काफी अच्छी है, तो अब हम इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप चाहें तो इनिशियली इनको सॉफ्ट ड्रिंक कप्स में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या डायरेक्ट पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं, या जमीन में भी लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हो गए हैं, तो मैं कुछ सॉफ्ट ड्रिंक कप्स में लगा दूंगा, कुछ को पॉट्स में लगा दूंगा, और कुछ को डायरेक्ट जमीन में लगा दूंगा। ये पॉटिंग मिक्स मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। इसमें है एक भाग गार्डन सॉइल, एक भाग कोकोपीट, एक भाग वर्मी कंपोस्ट, एक चौथाई भाग नीम खली, और बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में परलाइट ऑफ वर्मिकुलाइट। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक कप में यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी इसके बॉटम में कुछ छेद कर लिए थे ताकि पानी की निकासी इसमें अच्छे से होती रहे। तो इसके अंदर चलो पॉटिंग मिक्स भर देते हैं। अभी अभी बहुत ही सावधानी से सीडलिंग्स आप निकाल लीजिए किसी भी टूल की सहायता से। हल्का सा प्रेस करके एक छोटा सा गड्ढा सा बना लिया मैंने इसमें, और इसमें अभी सीडलिंग्स को रख देंगे। इसके चारों तरफ जो मिक्स हमने बनाया था वो डाल देते हैं, और जो मिक्स है उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस कर देते हैं ताकि जो सीडलिंग है वो सीधा खड़ा रहे। सेम प्रोसेस मैं बाकी सीडलिंग्स के साथ फॉलो करूंगा।
तो ये मैंने कुछ एक जो सीडलिंग्स हैं उनको ट्रांसप्लांट कर लिया है कप्स के अंदर। अभी इनको अच्छे से पानी देना है। इनिशियली 2-4 दिन के लिए इन कप्स को मैं सेमी शेडेड लोकेशन में रखूंगा और धीरे धीरे फिर इन कप्स को फुल सन के अंदर रखना शुरू कर दूंगा। ये मैंने पॉट में लगाया हुआ था। और ये कुछ एक प्लांट मैंने ग्राउंड में लगाए थे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो आपका तो प्लीज़ उसको लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।